अगर आप एक बहुत बढ़िया 50 इंचेस टीवी ढूंढ रहे हैं जो कम पैसों में भी आपको एक प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी दे दे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें इस टीवी का साइड बाय साइड कंपैरिजन लास्ट ईयर के बेस्ट टीवी तोशिबा U50 से भी करके दिखाऊंगी। इस टीवी की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, आपकी ह्यूज डिमांड पे मैं आज आपके लिए 50 इंचेस व्यू सिनेमा एक्शन टीवी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आई हूं। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है व्यू सिनेमा टीवी। बॉक्स के अंदर आपको टेबल टॉप स्टैंड के दो पीसेस मिलते हैं, साथ में है दो AAA बैटरीज, एक ब्लूटूथ कम IR रिमोट, एक पावर कॉर्ड और ये वॉल माउंट। टेबल टॉप स्टैंड हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें गूगल असिस्टेंट का बटन भी है। रिमोट में नीचे की ओर व्यू की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। पीछे की ओर ब्लैक ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। बेजल्स तीन तरफ से अल्ट्रा स्लिम है और नीचे की ओर इसमें एक साउंड बार फ्यूज किया गया है, जिसके सेंटर में व्यू का लोगो गोल्ड में दिया गया है। राइट साइड में सिनेमा टीवी लिखा आता है। पीछे की ओर इस तरह की डिजाइनिंग दी गई है और पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एक प्रीमियम और स्टाइलिश फील इम्पार्ट करता है। टीवी में तीन HDMI और दो USB पोर्ट्स दी गई हैं। साथ में है SPDIF पोर्ट, AV पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक, एंटीना पोर्ट और कॉम्पोजिट इनपुट पोर्ट्स। इसमें आपको HDMI, ARC और CEC दोनों दी गई हैं। व्यू का ये टीवी डीलेट बैकलाइटिंग और VA पैनल के साथ आता है। इस टीवी में व्यू ने अपनी पिक्सेलियम ग्लास टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्राइटनेस को काफी इनहेंस किया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी की ब्राइटनेस 500 nits है और कंट्रास्ट रेशियो 10:1 है। टीवी में हाई डायनेमिक रेंज दी गई है। डॉल्बी विजन के अलावा इसमें आपको HDR10, HDR10 प्लस और HLG का सपोर्ट दिया गया है। इस टीवी में डिजिटल नॉइज रिडक्शन फीचर भी है। मोशन ब्लर को कंट्रोल में रखने के लिए टीवी में MEMC टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोशन इन्हांसमेंट फीचर दिया गया है, जिसको ऑन करने का ऑप्शन सेटिंग्स में मिल जाता है। गेम मोड के साथ इसमें क्रिकेट मोड भी दिया गया है। इस टीवी में VOD अपस्केलर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्हांस व्यूइंग एंगल का फीचर भी दिया गया है। इस टीवी में 100 वॉट्स का सुपरसोनिक साउंड बार लग के आता है, जिसमें JBL के 6 सिनेमा स्पीकर्स लगाए गए हैं। ये टीवी डॉल्बी डिजिटल के साथ साथ DTS:X वर्चुअल सराउंड साउंड भी सपोर्ट करता है। ऑडियो इन्हांसमेंट के लिए इसमें ट्रू बेस HDX, ट्रू सराउंड X, डायलॉग क्लेरिटी और ट्रू वॉल्यूम HD सेटिंग्स भी दी गई हैं। ये एक एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा आता है। इसमें आपको एंड्रॉइड 9.0 OS दिया गया है। इसकी रैम 2GB है और स्टोरेज 16GB का दिया गया है। इस टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है। अब बात करते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की। तो ये कहना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा कि इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब है। ये पहली बार है कि मैंने किसी छोटी 50 इंचेस टीवी स्क्रीन पे कोई मूवी देखी है, और वो भी पूरा एंजॉय करते हुए। जब से मैंने प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पे प्रोग्राम्स देखना शुरू किए हैं, तब से छोटी स्क्रीन पे कुछ देखना उतना एंजॉयबल नहीं लगता है। लेकिन इस टीवी की अमेजिंग पिक्चर क्लैरिटी आपको टीवी से बांधे रखती है। 450 निट्स पे ये टीवी बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखता है, जिसकी वजह से डिटेल्स इसमें बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे स्क्रीन पे ब्राइटनेस एक जैसी ही दिखती है, जिसकी वजह से कलर्स बहुत ब्राइट और पंची दिखते हैं। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन शानदार है। कलर्स में एक क्यूलेट जैसी ही वाइब्रेंसी देखने को मिल जाती है। VA पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट रेशियो बहुत ही बढ़िया है। अंधेरे रूम में आपको इस टीवी पे बिल्कुल डीप ब्लैक्स मिल जाएंगे।
डीप ब्लैक बैकग्राउंड पे कलर्स बिल्कुल पॉप आउट होते हैं, और जिस तरह से व्हाइट स्क्रीन पे ब्राइटनेस की यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी मिलती है, उसी तरह से ब्लैक की यूनिफॉर्मिटी भी इस टीवी पे बहुत बढ़िया मिलती है। ब्राइट टीवी होते हुए भी इस टीवी की डिटेल्स ब्राइट पोर्शन में छुपती नहीं है। डॉल्बी विजन और HDR10 के डार्क सीन्स भी इस टीवी पे बहुत बढ़िया क्लेरिटी के साथ प्ले होते हैं। टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग अमेजिंग है। HD और फुल HD वीडियोस इस पे बहुत अच्छे से अपस्केल होकर हायर रेजोल्यूशन में प्ले होती हैं। फुल HD मूवीज भी इस टीवी पे 4K जैसी ही दिखती हैं। 2021 में मेरा फेवरेट 50 इंचेस टीवी तोशिबा U5050 था, लेकिन इसने उस टीवी को भी पिक्चर क्वालिटी में काफी पीछे छोड़ दिया है। HD चैनल्स इस टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं। HD चैनल्स की बात की जाए तो वो भी एक 4K टीवी के हिसाब से प्रिटी डीसेंट दिखते हैं। इस टीवी में बहुत सारी पिक्चर सेटिंग्स दी गई हैं। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से बेस्ट सेटिंग्स ट्वीक करके अल्टीमेट व्यूइंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं। इसमें व्यूइंग एंगल को इन्हांस करने के लिए भी सेटिंग दी गई है, जिससे आप व्यूइंग एंगल को भी बेटर कर सकते हैं। VA पैनल होते हुए भी इस टीवी का व्यूइंग एंगल सेटिस्फैक्टरी है। ऐसे तो इस टीवी में मोशन ब्लर ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन फास्ट एक्शन सीन्स में दिख जाता है। अगर आप मैच देख रहे हैं तो आप क्रिकेट मोड ऑन कर लें, जिससे बॉल की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मोशन सेटिंग्स ऑन करने पे सीन्स के बीच एक्स्ट्रा फ्रेम्स इंसर्ट हो जाते हैं, जो मोशन ब्लर की विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। मोशन इंटरपोलेशन सेटिंग्स आपको इस टीवी में दी गई हैं, जिन्हें आप एक्शन मूवीज देखते समय इनेबल कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी ऑडियो पे, तो इस टीवी में 100 वॉट्स के JBL स्पीकर्स दिए गए हैं, जिस वजह से ये पहला 50 इंच टीवी है जो इतने पावरफुल स्पीकर्स के साथ आता है। टीवी की ऑडियो काफी लाउड और क्लियर भी है, जिसमें आपको अच्छा बेस सुनने को मिल जाता है। आप इस पे हर प्रोग्राम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ साथ इस पे आपको काफी अच्छी ऑडियो भी मिल जाती है, जो मिलकर इस टीवी को ओवरऑल एक सुपर पैकेज बनाते हैं। इसके साथ आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आप इस टीवी की ऑडियो से वो उम्मीद न रखें जो एक 100 वॉट्स के एक्सटर्नल साउंड बार से की जाती है। तभी काम आएगी साहेब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इधर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। Don't even think about it, Gwen. You're literally not even going to let me have a seat at the table. इस टीवी पे आपको एक टोटल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें एंड्रॉइड 9.0 पाई दिया गया है। इस टीवी पे आप सारे ही एप्लीकेशंस चला सकते हैं। नेविगेशन इस टीवी पे बहुत स्मूथ है। आप इस टीवी पे बाहर के एप्स भी साइड लोड कर सकते हैं। टीवी का वॉइस कमांड फीचर काफी रिस्पॉन्सिव है, जो ऑर्डर्स इंस्टेंटली फॉलो करता है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है, जो स्टेबल कनेक्टिविटी के साथ आता है। आप इस टीवी से अपना हेडफोन, गेमिंग कंट्रोलर, कीबोर्ड, माउस सभी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी पे आप गेमिंग भी कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। इसके ग्राफिक्स बहुत बढ़िया हैं। अफोर्डेबल रेंज के टीवीज की बात की जाए तो उसके हिसाब से इस टीवी का इनपुट लैग और रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। आप इस पे PS5 कंसोल गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके इनपुट लैग को हाई एंड गेमिंग टीवीज जैसे सोनी X85J या फिर सोनी X90J से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि वो टीवीज स्पेशली गेमिंग को नजर में रखकर ही बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उनका इनपुट लैग और रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही बढ़िया है।
आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जाए तो व्यू कंपनी की सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री हैं। कंपनी डायरेक्टली डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरी कंपनी से ये अलग इसलिए है क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है जिसके ऑफिसेज इंडिया की मेजर सिटीज में हैं, जहां से टेक्नीशियंस आपके लोकेशन के लिए भेजे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। So tell me you're no good. I'm brushing away the weight of you, of my shoulder.